हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 20A क्लास 8 आरएस अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में हम 1 to 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसका लिंक आप ये जो आई बटन देख रहे हैं यहाँ मिल जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में भी दे दूंगा। एंड द क्वेश्चन 3 इज अ सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन मेजर 1.05 मीटर बाय 70 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस इन किलोग्राम। ए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेट इज 8 ग्राम। हमें ये दे रखा है, एक तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का वेट दे रखा है 8 ग्राम। क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखा है, यानी कि हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और जो मेजरमेंट है आयरन पीस का वो ये दे रखी है। लेंथ दे रखी है इसकी, पहले वाली लेंथ होती है जब इनटू में दिया होता बताया था 1.05 मीटर, और यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखा था। इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल होता है, तो ये आ गया 105 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आयरन पीस 105, विथ इसकी दे रखी है, विथ ऑफ आयरन पीस इज गिवन 70 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 1.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पीस निकाले, क्या होता है L इन टू V इन टू H। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पीस L इन टू V इन टू H, लेंथ आ गई 105, ये 70 और हाइट आ गई 1.5, ठीक है ना। तो चलिए मैं करता हूं, पहले 1.5 का 7 में मल्टीपल कर लेता हूं 105, तो पॉइंट से तो 0 कैंसिल, 15 7 जा 105, ठीक है, और 5 5 25 और 11 10 जा 110। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर, ट्रिक होती है 5 5, तो 25 और 10 के बाद अगर सेम हो, 10 10 है, 10 के जस्ट बाद क्या था 11 11, 10 जा 100 110, तो इसका आंसर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पीस हो गया 11025 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करनी है इसका वेट, और वेट के लिए हमें दे रखा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन पीस का वेट है 8 ग्राम। तो इतने क्यूबिक का क्या हुआ, 8 से मल्टीपल कर दें, तो वेट ऑफ आयरन पीस एट इंटू 110.25 ग्राम। 8 का मल्टीपल करें इसमें, तो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, और 4 20, 8 1 जा 8 1 जा, इतने ग्राम हो गया, किलोग्राम में पूछा है। तो इसमें हम क्या कर दें, 1000 से मल्टीपल, सॉरी डिवाइड, क्यों, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 के जी, 20 से 20 कैंसिल, एक प्लेस के बाद डेसिमल, तो 88.2 केजी वेट होगा आयरन पीस का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैंने ये वीडियो पूरी बनाई थी आपके 10th क्वेश्चन तक, 40 मिनट्स की वीडियो थी, वो करप्ट हो गई, चली नहीं, अभी मैं दोबारा मेहनत करना पड़ रही है, थोड़ा इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, है ना। आपको स्पीड लग रही होगी तेज, क्योंकि 2.5 घंटे मेरे बिगड़ चुके हैं। 3 वीडियो बनाई थी मैंने, टेस्ट पेपर 20 क्लास 7 की, याली वीडियो जो अब से सब मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी, पता नहीं क्या हो गया, वो करप्ट हो गई, तीनों वीडियो नहीं चल रही है ना। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड, एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड दे रखा हमें 3750 स्क्वायर मीटर। फाइंड द कॉस्ट और कवरिंग इट विथ ग्रेवल, ग्रेवल मतलब पत्थर लगाना, पत्थर के जो टुकड़े होते हैं ना चारों तरफ लगा रहे हैं, और इसके हिसाब से तो फर्श में भी लगा रहे हैं, वॉल्यूम निकालना था। ओके, ग्रेवल छोटे छोटे टुकड़े देखो दीवार में लगे थे, बोलता है इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। इट विद ग्रेवल टू हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है, कितनी हाइट तक लगानी है, हाइट इज 1 सेंटीमीटर, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में, तो उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं, 100 से डिवाइड कर दें तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। इफ द ग्रेवल कॉस्ट 6.4 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, चलिए मैं लिख देता हूं,
कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग या ग्रेवल कॉस्ट लिख देना, चलो ऐसे ही। ये हमें दे रखा है ₹6.40 पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर यहीं से क्लियर हो गया, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फॉर किसके लिए, ग्रेवलिंग के लिए, तो या खाली सीधा वॉल्यूम लिख दो, एरिया इंटू हाइट होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया हमें कितना दे रखा है 3750 इंटू हाइट 1/100, 0 से 0 कैंसिल और 10 से डिवाइड करेंगे तो 37.5 क्यूबिक मीटर, इतना वॉल्यूम आ गया। इसकी कॉस्ट पूछी है, 1 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट 6.4 रुपीज, तो समझ में आ गया इतने क्यूबिक मीटर की क्या होगी, 6.4 का मल्टीपल कर दें तो कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट, कोर्टयार्ड को जो कवरिंग कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर तक, इसकी कॉस्ट क्या होगी, 6.4 रुपीज का मल्टीपल कर दें 37.5, और ये मैंने मल्टीपल कर रखा है, ये आ गया 37.5 में 6.4 से मल्टीपल करेंगे 240, तो रुपीज 240, इट इज द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल अप टू 1 सेंटीमीटर हाइट, 240 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द क्वेश्चन 5 इज हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेट इन अ हॉल लेंथ इज 16 मीटर। एक हॉल है जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 16 मीटर, ब्रेथ 12.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ हॉल 12.5 मीटर, एंड हाइट भी गिवन है इसकी, हाइट ऑफ हॉल 4.5 मीटर। एक हॉल है जिसकी लेंथ विथ हाइट दे रखी है, अब पूछा है उस हॉल में कितने लोग आ सकते हैं, हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेट, एज्यूमिंग डेट 3.6 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर इज रिक्वायर फॉर ईच पर्सन, रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फॉर ईच पर्सन, ये भी दे रखी है, रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फॉर ईच पर्सन, ये हमें दे रखी है 3.6 क्यूबिक मीटर। तो देखो कमरे में क्या होती है, कमरे में एयर, जो हॉल है उसमें एयर होगी, तो वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि उस हॉल में कुल कितनी वॉल्यूम है, कितनी एयर है वो निकालना है, एक आदमी को इतनी चाहिए, तो टोटल कितने पर्सन होंगे, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉल अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फॉर ईच पर्सन, जितनी कमरे में या हॉल में एयर है उसमें हम 3.6 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ पर्सन निकलेंगे, तो नंबर ऑफ पर्सन इट्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ हॉल अपॉन, लिखना तो पड़ेगा, लिखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फॉर वन, ऐसे लिख दे रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है ना, वन पर्सन, बस क्यूवेट का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू वी इंटू एच, ये सब दे रखी है, एल वी एच मीटर में, लेंथ दे रखी है 16, विड्थ दे रखी है 12.5 मीटर, हाइट दे रखी है 4.5 मीटर, अपॉन और रिक्वायरमेंट ऑफ एयर कितनी है 1 पर्सन के लिए 3.6, तो 3.6 से डिवाइड, देखो वन प्लेस के बाद डेसिमल, वन प्लेस के बाद डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल रिमूव, अब पहले मैं इसे ही कैंसिल कर दे रहा हूँ, 9 4 जा 36, 9 5 जा 4 1 जा 4 4 जा, तो कितना होगा 5 4 जा 20 इंटू 12.5, मल्टीपल करें, जीरो से डेसिमल हट गया, 125 2 जा 250, तो 250 पर्सन आएंगे उस हॉल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 इज अ कार्डबोर्ड बॉक्स इज 1.2 मीटर लॉन्ग, चलो लिखते चलते हैं, लेंथ दे रखिए कार्डबोर्ड बॉक्स की,
length of cardboard box is 1.2 meter. विथ देखिए 72 सेंटीमीटर, तो मैं थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख दे रहा हूं क्योंकि इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करना है। पहले दिखा दूं, विथ ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स इज 72 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है इसकी 54 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स इज 54 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लें, 100 से मल्टीपल करेंगे तो 120 सेंटीमीटर आ गया। एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसकी लेंथ इतनी, विड्थ इतनी, हाइट इतनी दे रखी है। अब ध्यान से सुनना, सवाल आगे क्या है, हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप, साबुन की टिक्की है हमारे पास, कैन वी पुट इन टू इट, ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है इसके अंदर रखनी है क्या साबुन की टिक्कियां, है ना, बार्स ऑफ सोप, जिसका मेजर दे रखा है, इफ ईच बार मेजर, तो मेजर्स ऑफ ईच बार, ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, ये तीनों सेंटीमीटर में है। तो क्या कैसे होंगे नंबर ऑफ बार्स, कैसे निकालेंगे जिसमें हम रख रहे हैं इस कार्डबोर्ड बॉक्स में, इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन सोप या वन बार, साबुन, एक साबुन की टिक्की का वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ बार्स, ये तो पूछा था इसमें, दोबारा बताता हूं क्या पूछा है, आप पढ़ लो कि हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप कैन बी पुट इनटू कार्डबोर्ड, तो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है उसमें वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बार। कार्डबोर्ड का वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू विथ इंटू एच, लेंथ कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर, विथ 72 सेंटीमीटर, हाइट 54 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बार, और ये इसकी मेजरमेंट लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट दे रखी है, तो 6 इंटू 4.5 इंटू 4, देखो डेसिमल रिमूव होगा ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ये तो आप जानते हैं, अब 6 से काट दे रहा हूं, 6 बन जा 6, 2 जा 12 जी, अब देखिए 4 से 4 बन जा, 4 से इसको कैंसिल करूं कि इसको करता हूं क्योंकि 2 से मल्टीपल इजी होता है, तो 4 से कितना 18 बार हो गया, 18 4 जा 72, अरे 4.5 बचा, सॉरी पॉइंट तो हट गया, इसको देखो दोनों कैंसिल हो रहे हैं किससे, 9 से 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 0, और 5 से ये 12 टाइम्स कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर 20 इंटू 18 इंटू 12, ये क्या हुआ 20 इंटू 18 2 जा 36 कैरी 3, 18 बन जा 18 और 3 21, अब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 तो ये है 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3 और 2 2 जा 4, तो नंबर ऑफ बार सोप कितने होंगे 4320, तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द क्वेश्चन 7 इज द साइज ऑफ अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर, मैं लिख देता हूं द साइज ऑफ मैच बॉक्स, ये हमें ये दे रखा है, इस तरह से लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, इसका मुझे लेंथ होती है, विथ होती है, हाइट, तो एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि वॉल्यूम दे रखा ऑलरेडी किसका, एक मैच बॉक्स का,
ओके, ये तो साइज हो गया मैच बॉक्स का। तो पूछा ये व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्सेस। हमें उस पैकेट का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसके अंदर ऐसे 144 मैच बॉक्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैकेट होगा कितने मैच बॉक्स है 144, तो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है उसमें 144 से मल्टीप्लाई कर दें, 144 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मैच, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, मैच बॉक्स से मतलब वन मैच बॉक्स, तो कितना हो गया ये 144 और वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स ये होगा एल इंटू वी इंटू एच, तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, देखे कितना हो गया 144, 25 4 100 होते हैं, वन प्लेस के बाद डेसिमल तो 10 रह जाएगा, ये बात समझ आएगी ना, 25 4 100 एक प्लेस का डेसिमल तो 10 रह गया, इसी तरह 1.5 का जब 10 में मल्टीपल करेंगे तो 15 आ गया, डेसिमल से जीरो कैंसिल, 15 का मल्टीपल कर दे, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो जाएगा पैकेट का, किस पैकेट का जिसके अंदर 144 ऐसी मैच बॉक्स हैं। चलिए करते हैं 15 4 60 कैरी 6, 15 4 60 और 6 66 कैरी 6, 15 बन जा 15 और 6 21, 2160 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया वॉल्यूम ऑफ पैकेट। अभी आगे कुछ और भी कह रहा है सवाल में, फिर पूछा है हाउ मैनी सच पैकेट कैन बी प्लेस इन अ कार्टून ऑफ साइज। एक कार्टून है, कार्टून क्या होता है, वो गत्ते के डिब्बे जो होते हैं बड़े बड़े, बड़े डिब्बे को कार्टून बोलते हैं, देखा होगा ना जब बिजनेस जिनके यहाँ वो सब जानते हैं कार्टून में माल रखे जाता है ना, वो गत्ते के डिब्बों को कार्टून बोलते हैं, उसका मेजरमेंट दे रखा है। तो साइज ऑफ कार्टून ये हमें गिवन है 1.5 मीटर वाई 84 सेंटीमीटर वाई 60 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम निकल के आया था पैकेट का सेंटीमीटर में, यहाँ विड्थ और हाइट सेंटीमीटर में, लेंथ दे रखी है मीटर, तो सबसे पहले हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, लिख दूं डायरेक्ट 1.5 मीटर में 100 से मल्टीपल करेंगे तो 20 एक जीरो के डेसिमल, तो इतने सेंटीमीटर आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर बाई 84 इंटू 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये पूछा है नंबर ऑफ पैकेट्स जिसका वॉल्यूम इतना है कितना 2160 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे कितने पैकेट इस कार्टून में आ जाएंगे, तो क्या होंगे वॉल्यूम ऑफ कार्टून में डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ पैकेट, क्या होता है नंबर ऑफ पैकेट इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्टून अपॉन वॉल्यूम ऑफ पैकेट, एक पैकेट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कार्टून ये होता है एल इंटू वी इंटू एच, तो ये हो गया एल इंटू वी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट वो कितना है 2160 हम निकाल चुके, कौन सा पैकेट जिसमें 144 मैक्स बॉक्स रखी हो 144, वो आया था 2160, इससे डिवाइड करते हैं 2160, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 बन जा 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36, अब ये किससे कैंसिल करें 12 से हो जाएगा, 12 3 जा 36, 12 7 जा 84, 3 से ये 5 बार कैंसिल, ओके ये 60 सेंटीमीटर है ना, ये मैंने 6 लिख लिया 60 सेंटीमीटर, यहाँ 0 बढ़ेगा आगे तो ये 10 आएगा, और 10 5 7 जा 35 और 10 350, तो 350 पैकेट्स आएंगे उस कार्टून्स में जिसका साइज हमें ये दे रखा है 1.5 मीटर बाई 84 बाई 60 सेंटीमीटर। ये समझ गए, 60 था ये हमने 60 किया था इसलिए 60 कर दिया, 60 6 से कैंसिल 10 टाइम्स, तो 5 7 35 10 350, देयर आर 350 पैकेट्स इन द कार्टून, तो कार्टून में 350 पैकेट्स होंगे, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी प्लंक्स ऑफ साइज 2 मीटर वाई 25 सेंटीमीटर वाई 8 सेंटीमीटर, पहले मैं साइज लिख दूं, साइज ऑफ प्लंक
ये हमें दे रखा है 2 मीटर बाई 25 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 मीटर में। तो पहले इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लें, ये तो सिंपल है। 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर, सबको मालूम है 200, तो 200 सेंटीमीटर यानी कि लेंथ है, ये इसकी विथ है, ये इसकी हाइट। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, लोग अलग से लिख लेते हैं लेंथ इक्वल टू इतना। अगर कुछ और चीज़ पूछा वॉल्यूम के अलावा तब तो सही है, जब वॉल्यूम तो ये हो गया एल इन टू वी इन टू एच की फॉर्म में, तो अलग से क्यों लिखो, अननेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है। अब है क्या सवाल पढ़ते हैं, इस साइज के हमें प्लैंक बनाने हैं, किससे बनाने हैं, फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक 5 मीटर लॉन्ग 70 सेंटीमीटर बोर्ड, इसमें दे रखा है। तो लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक, लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक ये दे रखी है 5 मीटर, ये सब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, 500 सेंटीमीटर। ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि इजीली है ना, 1 मीटर में 100, तो 5 में 100 से मल्टीपल करा, 500 सेंटीमीटर। विथ दे रखी है इसकी, विथ ऑफ वुडन ब्लॉक, मैं खाली ब्लॉक लिख दे रहा हूं, कितनी दे रखी है भाई, 70 सेंटीमीटर, और थिकनेस, थिक ऑफ वुडन ब्लॉक, थिक का मतलब थिकनेस से मतलब हाइट ही होती है, थिक ऑफ वुडन ब्लॉक, और ये हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर, ये बुक में दे रखी है। तो हमें इस लकड़ी का जो ब्लॉक है इसको काट कर इस साइज के हमें प्लैंक्स बनाने हैं। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक, यानी कि एक प्लैंक का वॉल्यूम, जो वुडन ब्लॉक है इसकी लेंथ विथ हेड दे रही, तो 500 इंटू क्या होता है, एल इंटू वी इंटू एच, एल कितनी दे रखी है 500, विथ कितनी है 70, और थिकनेस यानी कि हाइट 32, और प्लैंक का मेजरमेंट दे रखा है 200, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 200 इंटू 25 इंटू 8, देखो ये 20 से 20 कैंसिल, ये दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल, 8 बन जा 8 4 जा 5 बन जा 5 5 जा, ये 2 बचा है तो 2 बन जा 2 2 जा, अब 5 से ये 14 टाइम्स कैंसिल, 5 बन जा 14 5 17, 14 इंटू 2 बचा, तो 14 इंटू 2 कितना 28, तो कितने प्लैंक्स फॉर्म होंगे 28, इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दोबारा से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।